मेरे तो रोम रोम में राम बसे हैं, मेरे मन में राम है। मैं मेरे सामने यदि राम प्रकट हो जाएंगे तो मैं उनसे क्या मांगूंगा। मेरे रोम रोम में राम बसे हैं, यदि मैं आंखें उनसे मांग लूंगा तो मेरे अंतर मन से राम हट जाएंगे। और मुझे आंखें नहीं चाहिए, मेरे रोम रोम में राम बसे रहें, बस यही मैं चाहता हूँ। विधना तेरे लेख किसी की समझ नाते हैं, हो जन जन के प्रिय राम लखन सिय बन को जाते हैं। राम त्याग हैं, समर्पण हैं, राम भारत की आत्मा हैं, राम भारत के हर कण कण में व्याप्त हैं। अगर प्रभु राम का दर्श हो जाए, अगर प्रभु राम का दर्शन हो जाए तो जीवन धन्य हो जाता है। अंध विद्यालय के एक ऐसे ही बालक से बातचीत करते हैं, वो प्रभु राम को किस नजरिए से देखते हैं। आंखें नहीं है लेकिन उनका नजरिया राम के प्रति कैसा है, किस तरह का है। सौर संवाद टीवी के राम वंदन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत आपका स्वागत जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। सौर का मतलब क्या होता है, सौर के मायने अगर लोग जानना चाहें तो क्या जाने। सर। वैसे वीर और यशस्वी इसका अर्थ होता है, सौर शौर्य का। जी हाँ जी, तो मेरा बहुत ही बड़ा सौभाग्य है जी कि मेरे राम भी वीर और यशस्वी अरे थे, वाह जी, शौर्य उनके जी अंदर भरे थे भी शौर्य से भरे थे, राजा दशरथ भी शौर्य से जी, भरे हुए थे। वाह तो मेरा बहुत ही सौभाग्य है कि मेरे माता पिता ने ये नाम में हम मुझे दिया बचपन से। क्या बात है। जिस तरह से सौर ने प्रभु राम का दर्श कराया, यानी प्रभु राम की महिमा को बताया है, वो शायद ही बहुत कम लोग बता पाए जिस तरह से सौर ने बताया है। तो अगर सौर इतना खूबसूरती से आप प्रभु राम को बिना आंख हुए आप उनका वर्णन करते हैं, आप उनका दर्श करते हैं, तो अगर मान लीजिए प्रभु राम आपके सामने साक्षात खड़े हो जाएं, साक्षात प्रकट हो जाएं और बोले कि सौर्य मांगो, क्या मांगते हो, आज मैं सब कुछ तुमको दे दूंगा, आज मैं सब कुछ तेरे ऊपर लुटा दूंगा, सौर तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं, मैं राम हूं, तू मांग तो क्या मांगना चाहता है, तो आप क्या मांगेंगे। तो सर देखिए, मेरे रोम रोम में बसने वाले राम, अरे वाह जगत के स्वामी अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगू। मेरे रोम रोम में राम है, मेरे तो अंतर इसको मन में मुझे राम लगता है बसे कि हैं। सौर थोड़ा सा लय में गा दे और स्वरबद्ध कर दे जी। मेरे रोम रोम में बसने वाले राम, जगत के स्वामी अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगू। सर मेरे तो रोम रोम में राम बसे हैं, मेरे मन में राम है। मैं मेरे सामने यदि राम प्रकट हो जाएंगे तो मैं उनसे क्या मांगूंगा। मेरे रोम रोम में राम बसे हैं, यदि मैं आंखें उनसे मांग लूंगा तो मेरे अंतर मन से राम हट जाएंगे। और मुझे आंखें नहीं चाहिए, मेरे रोम रोम में राम बसे रहें, बस यही मैं चाहता हूँ। सौर जिनकी आंखें नहीं हैं, जो दिव्यांग दृष्टि से हैं, लेकिन इतने भाव से भावुक होकर कहते हैं कि मेरे रोम रोम में बसने वाले राम, जगत के स्वामी अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगू, यानी जिसके रोम रोम में खुद ही राम हो तो वो फिर राम से क्या मांगेगा। वो कहते हैं कि वो राम की भक्ति में इतने लीन है, वो राम के भाव में इतने लीन है कि उनके रोम रोम में राम बसे हुए हैं, वो राम को से कुछ भी नहीं मांगना चाहते हैं। तो भावुक कर दिया है आपने अपने शब्दों से, हमें दंडवत करने के लिए, नतमस्तक करने के लिए आपने मजबूर कर दिया है। 100 बार ऐसे सौर को प्रणाम, 100 बार सौर के माता पिता को प्रणाम, 100 बार ऐसे विद्यालय को प्रणाम जिसने सौर जैसा बालक हम सबको समाज में दिया है, जो आंखें ना होते हुए भी वो कहता है कि हम प्रभु राम से क्या मांगे, मेरे तो रोम रोम में राम बसे हुए हैं। तो व्याकुल करने वाली भाव के साथ ही हम चलते हैं राम की चर्चा की ओर। सौर, राम जी के बारे में क्या जानते हो? राम जी का मंदिर भव्य बन रहा है और लौट रहे हैं अपने भवन में, तो कैसे देखते हो राम जी को? जी राम जी को तो क्या, राम जी का ये जो मंदिर बन रहा है, उनका जी तो 500 साल का वनवास था। ओहो, अरे वाह तो
500 साल बाद वो अपने भवन में आ रहे हैं। तो और जो 500 वर्ष का प्रभु राम जी का मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का वनवास कटा उसके उपलक्ष्य में आप भजन गाएंगे। जी जी जी, उससे पहले आप ये देख लीजिए, शायद जिनकी आंखें हो उन्हें ना पता हो, उन लोगों को ना मालूम हो कि मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम का 500 वर्ष का वनवास कटा है, व्यतीत हुआ है, यानी बाबरी ढांचा जो था उसके लिए संघर्ष किया गया 550 वर्ष का। जी, तो आइए भजन की ओर, उस राम स्तुति की ओर जिसके लिए सुनने के लिए हम सब व्याकुल हैं। जी, तो एक भजन मैं आपको सुनाता हूँ। व्याकुल दशरथ के लगे रथ के पथ पर ने, रथ विहीन बन बन फिरे, राम सिया दिन रे, विधना तेरे लेख किसी की समझ नाते हैं, हो जन जन के प्रिय राम लखन सिय बन को जाते हैं, हो जन जन के प्रिय राम लखन सिय बन को जाते हैं, विधना तेरे लेख किसी की समझ नाते हैं, एक राजा के राज दुलारे बन बन फिरते मारे मारे, एक राजा के राज दुलारे बन बन फिरते मारे मारे, होनी हो कर रहे करम गति टले नहीं काहू के टाले, सहज के भी ये चलते जाते और मुस्काते हैं, हो जन जन के प्रिय राम लखन सिय बन को जाते हैं, विधना तेरे लेख किसी की समझ नाते हैं। धन्यवाद, आपने एकदम भावुक कर दिया और उस पल में आप सब हम सबको लौटा दिया, उस पल में लेकर चले जिस समय भगवान राम जो है वनवास को लौटते हैं, वनवास जाते हैं और बन बन भटकते हुए दिखाई देते हैं। राम को किस रूप में देखते हैं, राम आपको कैसे लगते हैं, राम का भाव जब आता है तो आपके अंतर मन में कैसा भाव पैदा होता है? जी, राम जी की तो बात हम लोग क्या करें, राम जी की सांवली सूरत है और सबको मोह लेते हैं, जिसके भी द्वार पर जाते हैं वो उनको मोह लेते हैं और कांधे पर हमेशा धनुष बाण रहता है, और यही मेरे अंतर मन की छवि है। बाकी तो राम के बहुत से रूप हैं, तो एक रूप हो तो मैं आपको बताऊं, बहुत से उनके रूप हैं, कड़कड़ में राम समाए हैं, तो मैं उनकी संख्या नहीं बताई जा सकती। जी सौर, तो आइए मैं आपको एक और प्यारा सा भजन सुनाता हूँ राम जी का। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेल राम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेल राम, अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम,
थक भी गया हूँ मैं इस लंबे सफर में, थक भी गया हूँ मैं इस लंबे सफर में, अब दे दो सजा या इनाम, अब दे दो सजा या इनाम, मेरे अलबेल राम तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेल राम तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेल राम। धन्यवाद। तो देखिए अलबेले राम को किस रूप में देखते हैं, यानी राम के रूप अलग अलग हैं, राम के रूप अनेक हैं। जैसा सौर्य ने बताया कि राम कड़कड़ में व्याप्त हैं, राम हर श्वास में व्याप्त हैं, राम इस वातावरण में व्याप्त हैं, राम के बिना तो भारत की कल्पना अधूरी है, राम के बिना संसार की कल्पना अधूरी है, राम इस पृथ्वी की धूरी है। तो राम हम सब की श्वास और आत्मा और प्राण है, और इसीलिए ये अंध विद्यालय के इन बच्चों की आत्मा में बसे हुए हैं और सौर के अंतर मन में बसे हुए हैं राम। तो आइए राममय हो जाएं। तो अगर आपको सौर का ये गीत पसंद आया हो, सौर की बातें पसंद आई हो और राम के प्रति उनका जो भाव पसंद आया हो, तो कमेंट्स बॉक्स में जाइएगा, सौर के नाम का कम से कम जय श्री राम का नारा तो जय घोष तो जरूर लगाइएगा। संवाद टीवी के इस कार्यक्रम में ऐसे ही अनोखे राम की तलाश में हम हैं, जो अलग अलग रूप में लोग देखते हैं उनकी तलाश में है। अगर आपकी भी तलाश में कोई आए तो कमेंट्स बॉक्स में आप मैसेज करिएगा, हम पहुंचेंगे और आपको देश और दुनिया तक ले जाने का काम करेंगे। बोलिए जय सियाराम।